हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पार्ट टू, जिसमें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। आखिर सीवेज, हमारे घर से जो गंदा पानी निकलता है उसे हम सीवेज वाटर कहते हैं। उस सीवेज वाटर को आखिर माइक्रोब्स किस तरह साफ करते हैं कि हम उस पानी को साफ पानी में मिला पाए। So students, without wasting much time, चलिए start करते हैं आज का important topic, that is microbes in sewage treatment plant. देखो बच्चों, सबसे पहले सीवेज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है, सीवेज वेस्ट है, म्यूनिसिपल वेस्ट भी कहते हैं इसे, जो कि हमारे घरों से सीवेज के जरिए निकलता है उसे हम सीवेज कहते हैं। सीवेज के अंदर क्या क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक मैटर इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, फीसेस, दैट इज, साथ ही साथ बच्चों मैक्सिमम इसमें ऑर्गेनिक घरेलू वेस्ट होता है। हमारे घरों से, हमारे टॉयलेट से जो वेस्ट निकलता है वो सीवेज वेस्ट या म्यूनिसिपल वेस्ट बनाता है। इस वेस्ट के अंदर अधिक अमाउंट में ऑर्गेनिक वेस्ट पाए जाते हैं और जो बैक्टीरिया इसको साफ करने के लिए उपयोग में हमें लेने हैं वो बैक्टीरिया भी ऑलरेडी इसी में पाए जाते हैं। बस हमें एक प्रॉपर कंडीशन देनी है जिस कारण से ये बैक्टीरिया उस पर एक्ट करें और पानी को साफ करें। देखो बच्चों, माइक्रोब्स जो हैं उनका खाना ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो हमारे लिए समस्या है वो उनके लिए खाना है। तो देखो, अपन एक ना प्रॉपर एनवायरमेंट दे देंगे जिससे माइक्रोब्स जो है उस ऑर्गेनिक वेस्ट को खा जाएगा, जिस कारण से हमारा भी काम हो जाएगा, माइक्रोब्स का भी पेट भर जाएगा। तो एक काफी इंटरेस्टिंग तरकीब है जिससे हम सीवेज पानी, जो कि एक बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन चुकी है क्योंकि अर्बनाइजेशन होने के कारण म्यूनिसिपल वेस्ट, सीवेज वेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीज से ना जाने कितना सीवेज निकलता है, सीवेज वेस्ट निकलता है। तो बच्चों, ये सब वेस्ट को प्रॉपर ट्रीट करना काफी आवश्यक है, नहीं तो फ्यूचर में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो बच्चों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए हम इस सीवेज वेस्ट को ठिकाने लगाते हैं और फिर वो पानी साफ हो जाता है, उसमें क्लोरीन ऐड करके हम उसे नॉर्मल बॉडीज में मिलाते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर ये काम कैसे किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट हमारे घरों से हर रोज ना जाने कितना वेस्ट जो है वो रिलीज होता है। वेस्ट वाटर जो है उसमें मेन कंपोनेंट ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो कि एक ऑर्गेनिक वेस्ट है। फीसेस की बात करी जा रही है यहाँ पे। ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है इसे हम सीवेज भी कहते हैं। देखो, मैंने आपको कहा था ना, सीवेज वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट भी इसे ही कहा जाता है, जिसके अंदर मेन कंपोनेंट जो है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा है। इसके अंदर बच्चों ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स ऑलरेडी मौजूद है। इन माइक्रोब्स को हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स कहा जाता है। इसमें से बहुत सारे माइक्रोब्स पैथोजेनिक भी हैं। पैथोजेनिक शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं। सो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं। तभी तो बच्चों कहा जाता है कि गंदा पानी पीने से बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जैसे कॉलेरा, डायरिया। तो ये सब बीमारियां इन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज और अदर माइक्रोब्स के कारण ही होती है। यू हैव अ वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली? क्या आपने कभी सोचा है? आप तो इतना सारा वाटर जो है वो रोज वेस्ट करते हो, इतना सारा जो आप एक्सक्रीटा है वो फ्लश कर देते हो, ये पानी आखिर जाता कहाँ है? सो स्टूडेंट्स, दिस कैन बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, स्ट्रीम्स डायरेक्टली। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई। सो स्टूडेंट्स, आप ये बात समझते ही होंगे कि इस गंदे पानी को हम डायरेक्टली अच्छे पानी में नहीं मिला सकते, इसको उसके पहले ट्रीट करना आवश्यक है। Hence, sewage is treated in sewage treatment plant. इसीलिए बच्चों ये municipal waste या sewage को sewage treatment plant में treat किया जाता है to make it less polluting, उसको कम polluting बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे sewage जो है उसका दूसरा नाम है municipal waste। एक बार आपको summarize कर देती हूँ।
इसके अंदर मेनली क्या पाया जाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा और हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स. माइक्रोब्स भी ऑलरेडी मौजूद है इसके अंदर, कहीं बाहर से नहीं लाने हैं हमको, ठीक है. और इसको फिर हम एसटीपी में ट्रीट कराते हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे. और फाइनली वो वेस्ट वाटर जो है वो लेस पॉल्यूटिंग हो जाता है, लेस पॉल्यूटिंग हो जाता है, और फिर उसे हम मेन रिवर बॉडी में मिक्स कर देते हैं. ठीक है, तो ये समझाया गया है इस पैराग्राफ के अंदर. अब ट्रीटमेंट कैसे होता है, अब बच्चों हम वो समझेंगे. तो बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको पहली बात बता दी है कि हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स पानी के अंदर पहले से ही नेचुरली प्रेजेंट है, उस सीवेज पानी के अंदर. बाहर से माइक्रोब्स डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस जरूरत इतनी है कि प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस दे दो, जिससे वो माइक्रोब्स मल्टीप्लाई करने लग जाए, उनकी कॉलोनी बढ़ जाए, और फाइनली वो अपना खाना दैट इज ऑर्गेनिक वेस्ट खा पाए और हमारे पानी को साफ कर पाए. सो स्टूडेंट्स, ये जो ट्रीटमेंट है इसे टू स्टेजेस में किया जाता है. पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. एक बार मैं आपको इसी को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाती हूं, फिर हम ये थ्योरी पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले दिया है कि एसटीपी के अंदर दो स्टेप्स होती हैं. पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, जबकि प्राइमरी ट्रीटमेंट के केस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं इन्वॉल्व है, इसीलिए इसे हम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कहते हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है स्टूडेंट्स, उसके अंदर पहले फिल्ट्रेशन किया जाता है, मतलब पानी को छाना जाता है. फिर फिल्ट्रेशन के बाद में सेडिमेंटेशन किया जाता है, मतलब जो भी भारी सेडिमेंटेड सब्सटेंस है, जैसे ग्रिट, पैबल्स, उन सब को अलग करा जाता है. तो पहले छानेंगे, फिर सेडिमेंटेशन करेंगे. तो जो नीचे इकट्ठा हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, उसे प्राइमरी स्लज कहा जाता है, और जो ऊपर सब जो वाटर है उसे हम प्राइमरी एफ्लुएंट कहेंगे. ठीक है, तो ऐसा होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर. पहले छाना जाता है, दैट इज फिल्ट्रेशन. फिर जो भारी सब्सटेंस है उसे अलग किया जाता है, विच इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. ठीक है, तो उसमें जो अपर वाटर है उसे हम प्राइमरी एफ्लुएंट कहेंगे, और जो नीचे सेडिमेंट हो चुका है उसे हम प्राइमरी स्लज कहेंगे. अब ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है उसे हम स्टूडेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे. पहले यहां तक का पढ़ते हैं, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपको शॉर्ट में समझाऊंगी, फिर वो पढ़ेंगे अपन. ठीक है, तो पहले इतना पढ़ते हैं. देखो,
primary treatment. These treatment steps basically involve physical removal of particle. तो यहाँ पे physical removal होगा, इसीलिए इसका दूसरा नाम mechanical treatment भी है. From the sewage through filtration and sedimentation. यही दो steps बताई मैंने आपको primary treatment में. पहले छानेंगे और भारी वस्तुओं को अलग करेंगे, that is filtration and sedimentation respectively. These are removed in stages. पहले हम floating debris को filtration के माध्यम से या sequential filtration के माध्यम से floating debris अलग कर लेंगे. फिर उसके बाद में students हम भारी चीजें जैसे grit, pebbles, soil particles, इनको हम रिमूव कर देंगे sedimentation के द्वारा. तो A है इसके अंदर sequential filtration और B step है sedimentation. All the solids that settle form the primary sludge. जो settle हो जाते हैं उन्हें हम primary sludge कहते हैं. यही बात मैंने भी आपको diagram में बनाकर बताई. And the supplement and the supernatant form is called effluent. और clear? तो primary effluent कहा जाता है इसे. Effluent जो कि primary settling tank में है उसे अब secondary treatment के लिए भेजा जाएगा. यही बात मैंने आपको बताई कि primary effluent को अब secondary tank में treatment के लिए भेजा जाएगा. ठीक है, अब secondary treatment या biological treatment मैं आपको short में समझाती हूँ. ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई थी प्राइमरी एफ्लुएंट को मैं अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजूंगी. अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरोबिकली एरोबिक ट्रीटमेंट करेंगे. इस टैंक को हम एरेशन टैंक कहते हैं. या फिर एगिटेशन टैंक कहते हैं. सबका मतलब बताऊंगी, इन तीनों शब्द का मतलब बताऊंगी आपको. फिर उसके बाद में बच्चों हम सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं. एंड फाइनली हम एनारोबिक ट्रीटमेंट देते हैं. ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर फर्दर थ्री स्टेप्स होती हैं. अब एरोबिक टैंक में क्या होता है? एरोबिक टैंक के अंदर स्टूडेंट्स नीचे एगिटेशन करा जाता है, मतलब फिरकियां टाइप चलाई जाती हैं जिससे कुछ भी सब्सटेंस एक जगह इकट्ठा ना हो. देखो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो नीचे अगर अपन फिरकी लगा देंगे तो वो पूरा पानी ऐसे गोल गोल घूमेगा, जिस कारण से माइक्रोब्स को प्रॉपर फूड मिलेगा, माइक्रोब्स की कॉलोनी बढ़ेगी. ठीक है, साथ ही साथ एयर का पैसेज किया जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करे. ठीक है, सो दिस इज पैसेज ऑफ एयर, दिस इज एगिटेशन. तो कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे यहां पे? यहां पे ग्रो करेंगे एरोबिक बैक्टीरिया. तो तीनों शब्द का मतलब समझ आया. एरोबिक इसीलिए क्योंकि मैं एरोबिक एनवायरनमेंट दे रही हूं जिससे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करें या एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करें. एरेशन टैंक इसलिए बिकॉज मैं एयर पंप कर रही हूं जिससे माइक्रोब्स को प्रॉपर एयर सप्लाई रहे और वो अच्छे से ग्रो कर पाए, कॉलोनी बढ़ा पाए. और साथ ही साथ यहां पे एरोबिक कंडीशन जनरेट कर दिए मैंने एरोबिक बैक्टीरिया के लिए, इसीलिए इसे एरोबिक टैंक भी कहते हैं. और साथ ही साथ कुछ भी सब्सटेंस एक जगह इकट्ठा ना हो इसके लिए मैं उसे एगिटेट कर रही हूं, घुमा रही हूं उस मिक्सचर को, इसीलिए इसे एगिटेशन टैंक भी कहते हैं. तो तीनों मतलब समझ आए. यहां पे बच्चों क्या होता है, एक फ्लॉक्स लाइक सब्सटेंस बनता है. उस ये जो फ्लॉक है इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज फ्लॉक. तो फ्लॉक जो है वो बैक्टीरियल और फंगल फिलामेंट का मैशअप होता है, बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट, प्लस फंगल फिलामेंट
मैशअप या मैशवर्क, ठीक है, को हम फ्लॉक कहते हैं। तो बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट के मैश को हम फ्लॉक कहते हैं, जो कि हमें एरोबिक और एरेशन टैंक में ऑब्टेन होता है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम अब हम इसे सेटलिंग टैंक पे भेज देंगे। तो अब इसके बाद हम इसे सेटलिंग टैंक के लिए भेज देंगे। सेटलिंग टैंक में जो सब्सटेंस नीचे आके बैठ जाएगा, दैट इज फ्लॉक। ये क्या है? फ्लॉक ही है जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज फंजाई और बैक्टीरिया का मैश। अब इस फ्लॉक को हम एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए से एक्टिवेटेड स्लज कहा जाएगा। अब क्या करेंगे हम एक्टिवेटेड स्लज का कुछ परसेंट इनोक्यूलम के रूप में पीछे वाले टैंक में डालेंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए 5% हम पीछे वाले टैंक में वापस से भेजेंगे, वापस से पंप करेंगे, जो कि एक इनोक्यूलम की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा? इनोक्यूलम। जैसा मैंने आपको दही प्रिपरेशन में बताया था कि दूध के अंदर हम थोड़ा अमाउंट में दही क्यों डालते हैं, हम दूध में दही इसीलिए डालते हैं क्योंकि दही में ऑलरेडी एक्टिवली डिवाइडिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसी उसी प्रकार बच्चों सेटलिंग टैंक में भी एक्टिवली डिवाइडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो उसे हम पीछे वाले टैंक में डालेंगे क्योंकि अब नया पानी वहां पर आया है और वहां पे माइक्रोब्स का तेज गति से डिवीजन होना चाहिए, इसीलिए हम वापस से पीछे वाले टैंक में डालेंगे थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज इनोक्यूलम के फॉर्म में, और बाकी का हम एनारोबिक टैंक में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो सेटलिंग टैंक के बाद में हम पानी को, जो कि अब कहलाएगा सेकेंडरी एफ्लुएंट, सेकेंडरी एफ्लुएंट विद एक्टिवेटेड स्लज हम अब एनारोबिक टैंक में भेज देंगे, ठीक है। इतना समझ आया? अब हम पहले इतना पढ़ते हैं फिर एनारोबिक टैंक समझेंगे। और बच्चों एक और बात मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगी कि ऐसा भी तो कुछ टेस्ट होना चाहिए, नहीं तो एरोबिक टैंक में ही पानी पड़ा रहेगा। तो ऐसा कौन सा वे है जो हमको पता चलेगा कि ये पानी को एनारोबिक टैंक से एरोबिक टैंक में, सॉरी, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हमें पता चलेगा कि अब पानी को हमें एरोबिक टैंक से या एरेशन टैंक से सेटलिंग टैंक में या एनारोबिक टैंक में भेजना है? तो बच्चों हम बीओडी की वैल्यू चेक करेंगे। तो जब तक बीओडी की वैल्यू कम नहीं हो जाती तब तक हम उसे आगे वाले टैंक में नहीं भेजेंगे। तो एरोबिक टैंक में मेन उद्देश्य क्या है? बीओडी की वैल्यू डिक्रीज करना। तो बीओडी की वैल्यू जब तक लेस नहीं हो जाती है हम उसे नेक्स्ट टैंक में नहीं भेजेंगे, सेटलिंग टैंक में नहीं भेजेंगे, ठीक है। बीओडी क्या होता है डिटेल में मैं आपको ऊपर समझाती हूं। चलो अब हमने प्राइमरी एफ्लुएंट को कहां भेज दिया? सेकेंडरी टैंक में या सेटलिंग टैंक में, इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे आते हैं हम। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में द प्राइमरी एफ्लुएंट is passed into a large aeration tank where it is constantly agitated, ठीक है। aeration हवा भी देंगे, उसे continuously agitate भी करेंगे, मतलब फिरकियों के माध्यम से पानी को घुमाएंगे, and air is pumped into it, ठीक है। air क्यों pump करी जा रही? क्योंकि हमें aerobic environment create करना है जिससे aerobic microbes grow कर पाए। So जिसके कारण बच्चों vigorous growth होती है यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स की इनटू फ्लॉक, ठीक है। तो इस कारण से फ्लॉक डेवलपमेंट होता है। व्हाट इज फ्लॉक? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अबाउट द फ्लॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्लॉक क्या होते हैं? दे आर बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि व्हाट इज फ्लॉक, फ्लॉक इज बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट मैश। While growing, these microbes consume major part of organic matter.
अब एरोबिक टैंक में हो क्या रहा है? एरोबिक टैंक में जो फ्लॉक डेवलप हुई है, दैट इज बैक्टीरियन एंड फंगल फिलामेंट, वो इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगी, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर उसके लिए खाना है. तो ऑर्गेनिक मैटर इज कंज्यूम बाय माइक्रोब्स. तो जिससे माइक्रोब्स की कॉलोनी बढ़ना स्टार्ट होगी, ठीक है, और बीओडी की वैल्यू भी उस टाइम पे ज्यादा होगी एकदम से. फिर धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, ये माइक्रोब्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते जाएंगे और हमारा पानी साफ होता जाएगा और बीओडी की वैल्यू भी घट जाएगी. बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कितनी ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए. तो धीरे धीरे अगर ऑर्गेनिक मैटर घटता जाएगा तो धीरे धीरे बीओडी की वैल्यू भी घटती चली जाएगी. तो बच्चों पहले क्या था, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा था, इसको अपन ऐसे समझते हैं, ठीक है. पहले क्या था, ऑर्गेनिक मैटर इतना ज्यादा था, देखो ये ऑर्गेनिक मैटर है, बाद में ये ऑर्गेनिक मैटर इतना रह गया है, ठीक है. रेड से क्या बताया गया, ऑर्गेनिक मैटर. अब समझना, बहुत पते की बात बता रही हूं, इस पे ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और नीट एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं. देखो ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा है, ठीक है ना, तो माइक्रोब्स जो है उनका भी नंबर बढ़ेगा, उनकी भी कॉलोनी बढ़ेगी और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है. मतलब डिमांड ज्यादा है माइक्रोब्स के माइक्रोब्स जो है वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं ऑक्सीजन की ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि इतने सारे माइक्रोब्स हैं, इतना सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है. वाटर भी ज्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है. अब क्या होगा, धीरे धीरे माइक्रोब्स जो है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो घटता चला जाएगा. तो ऑर्गेनिक मैटर घटता चला गया, ठीक है, माइक्रोब्स की कॉलोनी भी घटती चली गई. बीओडी की वैल्यू ज्यादा थी, अब कम हो गई, और वाटर पहले ज्यादा पॉल्यूटेड था, अब वाटर पॉल्यूशन भी कम हो गया. तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, पहले ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा था तो माइक्रोब्स की कॉलोनी बढ़ती गई, बीओडी भी ज्यादा था, मतलब पानी ज्यादा पॉल्यूटेड है. अब इन चार पॉइंट में किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्यादा पॉल्यूटेड पानी है तो माइक्रोब्स की, तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो बीओडी की वैल्यू ज्यादा होगी कि कम. तो आपको पता होना चाहिए कि बीओडी की वैल्यू ज्यादा होगी. तो इस टाइप से इन चार लाइंस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ट्विस्ट करके. ठीक है, तो चलो अब एनसीईआरटी की थ्योरी समझते हैं, इसके थ्रू आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है. चलो, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस व्हाइल ग्रोइंग, दीज माइक्रोब्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट. दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस बीओडी ऑफ द एफ्लुएंट. BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of wastewater is oxidized by bacteria. The sewage water is treated till the BOD is reduced. ठीक है, तो सीवेज पानी को हम तब तक ट्रीट करते हैं जब तक BOD कम नहीं हो जाता. एक और बार लाइन बाय लाइन समझाती हूँ, ये इतना पार्ट कट कर देना, वापस से स्टार्ट कर रहे हो. तो बच्चों क्या होता है, सबसे पहले जब माइक्रोब्स कंज्यूम करते हैं, माइक्रोब्स क्या करते हैं, धीरे धीरे कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को एफ्लुएंट के अंदर, जिसके कारण बीओडी की वैल्यू जो है वो भी बढ़ना स्टार्ट होती है. जिसके कारण बच्चों बीओडी की वैल्यू घटना चालू होती है, ठीक है. सो दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी.
बीओडी रेफर्स टू, बीओडी की वैल्यू डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया के द्वारा 1 लीटर पानी के अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो जाता है तो उसे हम बीओडी कहते हैं, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस. तो हम सीवेज पानी को तब तक ट्रीट करते हैं जब तक ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घट नहीं जाए. बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो अपटेक ऑफ ऑक्सीजन भी उतना ज्यादा होगा जितने एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तब तक एक्टिव है जब तक उन्हें न्यूट्रिएंट सप्लाई या फूड सप्लाई मैक्सिमम है, ठीक है, इन अ सैंपल ऑफ वॉटर. दस इनडायरेक्टली बीओडी इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वॉटर. द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वॉटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग. ठीक है, तो अगर बीओडी की वैल्यू ज्यादा है तो वॉटर वो ज्यादा पॉल्यूटेड है, बीओडी की वैल्यू कम है तो वॉटर कम पॉल्यूटेड है. बीओडी की वैल्यू ज्यादा है मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, ठीक है ना. अब एक बार बीओडी कम हो जाता है सिग्निफिकेंटली तो उस एफ्लुएंट को फिर सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है जहां पर बैक्टीरियल फ्लॉक को हम सेडिमेंट होने देते हैं. और चूंकि बैक्टीरियल फ्लॉक अब सेडिमेंट होंगे सेटलिंग टैंक के अंदर, इसीलिए उस सेटल्ड सब्सटेंस को हम इस बार एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे क्योंकि उसमें एक्टिवली डिवाइडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सो दिस सेडिमेंट इज दिस टाइम कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज. मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के वक्त जो हमें सेडिमेंट मिलता है उसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, और वहीं प्राइमरी ट्रीटमेंट के टाइम जो हमें सेडिमेंट मिला उसे हम प्राइमरी स्लज कहते हैं. अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू एरेशन टैंक. ये भी मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेटेड स्लज का 5% हम पंप बैक करते हैं एरेशन टैंक के अंदर, जो कि एक इनोक्यूलम या स्टार्टर की तरह एक्ट करता है, और बचा हुआ मेजर पार्ट हम पंप कर देते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में. एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाइजेस्ट किया जाता है बैक्टीरिया एंड फंगाई को स्लज के अंदर, ठीक है, एनारोबिकली. अब देखो क्या होता है, एक बार और डायग्राम के माध्यम से समझाती हूं तुमको, जगह ही नहीं बची यार, चलो यहां बताती हूं. अब एनारोबिक टैंक समझा रही हूं, अब एनारोबिक टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, एनारोबिक टैंक के अंदर बच्चों ये जो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स का जो फ्लॉक आया था, एक्टिवेटेड स्लज जो आई थी उसके साथ में, वो माइक्रोब्स डाइजेस्ट करते हैं एनारोबिकली. तो ये पूरा सील्ड पैक होना चाहिए क्योंकि ये एनारोबिक टैंक है, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जिस कारण से बच्चों यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है एनारोबिक ट्रीटमेंट के कारण, ठीक है. तो बायोगैस भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी और फाइनली पानी के अंदर क्लोरीनेशन करके हम उसे वाटर बॉडीज में मिला देते हैं उस पानी को, ठीक है. तो एनारोबिक टैंक में ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, मेन एरोबिक टैंक और एरेशन टैंक में ही बड़ी बड़ी बातें थी जो आपको याद रखनी है. चलो अब एनारोबिक टैंक में आ जाते हैं. तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में आते हैं अब हम. यहां पे अलग टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि एनारोबिकली ग्रो करते हैं, और बैक्टीरिया और फंजाय का जो फ्लॉक है स्लज के अंदर उस पे एक्ट करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं. इस डाइजेशन के वक्त ये बैक्टीरिया जो हैं कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिन्हें मिला के हम बायोगैस कहते हैं, ठीक है. तो इसे हम बायोगैस बोलते हैं जो कि एक एनर्जी का भी सोर्स है, क्योंकि आपको पता है बायोगैस से तो चूल्हे भी जलते हैं, उससे इल्यूमिनेशन भी हो सकता है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस इन रूरल एरियाज मेनली. तो इसमें मीथेन है, H2S गैस होती है बायोगैस में, और CO2 होती है, जिसमें से मीथेन सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है. इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है. द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज जनरली रिलीज्ड इनटू द नेचुरल बॉडीज लाइक रिवर्स एंड वाटर, और एरियल व्यू आपको दे रखा है, ठीक है. तो ये एरियल व्यू है,
किस प्रकार प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट करा जाता है और फाइनली मेन रिवर बॉडी के अंदर पानी मिला दिया जाता है. सो स्टूडेंट्स, यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब. माइक्रोब्स का कितना फायदा है पानी को साफ करने में. Till date, no man-made technology has been able to reveal the microbial treatment of sewage. You are aware that due to the increasing urbanization, जैसे जैसे population बढ़ती जा रही है, वैसे जैसे जैसे urbanization होता जा रहा है, वैसे वैसे sewage treatment की problem बढ़ती जा रही है, waste water बढ़ता चला जा रहा है. However, the number of sewage treatment plant इतने ज़्यादा increase नहीं हो पाए जो कि करने चाहिए. और एक प्लान के बारे में बात करी गई है बच्चों, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की, पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, उन्होंने इनिशिएट करा था गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान. ठीक है, क्या इनिशिएट करा था? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, गंगा और यमुना को साफ करने के लिए. ठीक है, तो बच्चों इस प्लान को देखकर हम मतलब और दूसरी जगहों पर भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लाना चाहिए और पानी को साफ करके ही फ्रेश वाटर में या मेन रिवर बॉडी में मिलाना चाहिए. नहीं तो वो पानी हमारी सारी वाटर बॉडीज को गंदा कर देगा अगर उसे अनट्रीटेड मिलाया गया, और गंदा करने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी फैलाएगा. अब आते हैं स्टूडेंट्स माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस पे. ठीक है, बायोगैस क्या होता है? बायोगैस अभी मैंने आपको बताया क्या होता है. बायोगैस जो होता है स्टूडेंट्स, वो हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को कहते हैं, दैट इज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड. ये जो गैसेस होती हैं स्टूडेंट्स, ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया के द्वारा कैटल के र्यूमेन में भी प्रोड्यूस होती है. इसीलिए गोबर से हम ये बायोगैस और गोबर गैस बनाते हैं. और क्यों बनाते हैं? इसलिए बच्चों, क्योंकि गोबर भी ठिकाने लग जाएगा, उससे क्या बन जाएगा? खाद बन जाएगी फाइनली ट्रीटमेंट के बाद में, और साथ ही साथ हमें बायोगैस मिल जाएगी जिसे हम एलपीजी की जगह पर गांव में चूल्हे जलाने के लिए जो गैस सिलेंडर की जगह पे बायोगैस के माध्यम से इन्फ्लेमेबल गैस है वो, तो इन्फ्लेमेशन के लिए यूज किया जाता है. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बायोगैस. बायोगैस बच्चों मिक्सचर ऑफ गैस है जिसके अंदर प्रीडोमिनेंटली मीथेन पाई जाती है. तो मीथेन के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है. प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल, जिसे फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है बिकॉज इट इज इनफ्लेमेबल. यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. The type of gas produced depends upon microbes and organic substrate they utilize. In the examples cited, the relation to fermentation of dough, cheese, ऐसा कहा गया है बच्चों कि microbes कैसी gas produce करते हैं वो depend करता है कि वो कैसे substance के ऊपर act कर रहे हैं और किस type के microbes हैं. जैसे अगर मैं आपको yeast का example दूं, तो yeast जो है बच्चों fermentation process के द्वारा वो क्या बना रहा था बच्चों? वो शुगर से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा था. वैसे ही बच्चों ये जो बायोगैस प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बायोगैस बनाते हैं. सिंपल. हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली ऑन सेल्यूलोसिक मटेरियल. तो बच्चों यहां से हमारी बायोगैस की बात स्टार्ट होती है कि कुछ बैक्टीरिया जो कि एनएरोबिकली ग्रो करते हैं सेल्यूलोसिक मटेरियल पे, वो लार्ज अमाउंट में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन. इन बैक्टीरिया को हम कलेक्टिवली मिथेनोजेंस कहते हैं, जो कि आर्के बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं. मिथेनोजेंस जो रहते हैं ये बहुत, मिथेनोजन में भी कॉमन बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोबैक्टीरियम. ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एनारोबिक स्लज में भी पाए जाते हैं. अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार एनारोबिकली स्लज डाइजेस्टर में भी बायोगैस प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि वहां पे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया एक्ट कर रहे थे. ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन र्यूमन. तो कैटल के र्यूमन में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं. ठीक है,
अ लॉट ऑफ सेल्यूलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल, और कैटल आपको पता है वो हर्बीवोरस है, तो ज्यादातर प्लांट खाएगी। प्लांट की सेल वॉल में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज को ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे और बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें प्रीडोमिनेंटली मीथेन पाया जाता है। हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज एंड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ब्रीफ करती हूं बच्चों। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो कि आर्के बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, किंगडम मोनेरा में, ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो है, इसमें कॉमन एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम का। ये जो मिथेनोजेंस है स्टूडेंट्स, ये अभी हम पीछे पढ़ कर आए एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी हमने इनका यूज करा था, और साथ ही साथ ये नेचुरली हमें कैटल के र्यूमेन में मिलते हैं। और ये करते क्या है, ये सेल्यूलोज सेल्यूलोजिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं सेल्यूलोजिक रिच सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं कौन? मिथेनोजेंस। कैसे? एनारोबिकली। एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं। कौन सी गैस बनती है जिस कारण से? बायोगैस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस है मीथेन, साथ ही साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस भी पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि क्या होता है। और सेल्यूलोज जैसे कि कैटल के र्यूमेन में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि कैटल हर्बीवोर्स से वो ज्यादातर हरी चीजें खाती हैं, और प्लांट्स के अंदर जैसे कि आपको पता है प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, इसीलिए सेल्यूलोज मटेरियल अबंडेंट होता है, जिस कारण से गोबर के अंदर, गोबर से हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स बायोगैस प्लांट के बारे में। अब बायोगैस प्लांट का मैं आपको डायग्राम बताती हूं पहले बच्चों। तो बच्चों ये बायोगैस प्लांट है, इसके अंदर क्या किया जाता है? सबसे पहले बच्चों आप देख रहे हैं यहां पे हम गोबर, जिसे इंग्लिश में डंग कहते हैं, डंग और पानी को मिलाएंगे। डंग तो सॉलिड होता है, तो डंग को वाटर के साथ मिलाएंगे जिससे वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड हो जाए, ठीक है, जिसे अब हम स्लरी कहेंगे। तो यहां पर डंग और वाटर, ठीक है, गोबर और पानी को मिला के क्या बन जाती है? स्लरी बन जाती है। इस स्लरी को हम फिर लेके जाते हैं नेक्स्ट टैंक में, जिसे डाइजेस्टर टैंक कहा जाता है। ये डाइजेस्टर टैंक मेन टैंक है, यहां पे एनारोबिक ट्रीटमेंट होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो एनारोबिक एनवायरनमेंट है जिससे कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे यहां पे अबंडेंट अमाउंट में? मिथेनोजेंस, जिस कारण से क्या प्रोड्यूस होगी? मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिन्हें मिला के हम कहेंगे बायोगैस। अब देखो यार, बायोगैस प्रोड्यूस हो गई, तो बायोगैस प्रोड्यूस होती है पता कैसे चलता है? तो ये जो फ्लोटिंग कवर है ये ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ये फ्लोटिंग कवर जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बायोगैस बन रही है। अब ये जो गैस होल्डर है इसके अंदर बायोगैस आ जाएगी, और ये बायोगैस फिर बच्चों सप्लाई करी जाएगी रूरल एरियाज में, घर घर तक पाइपलाइन के माध्यम से, और घर में जाके ये जो गैस स्टोव हम एलपीजी के माध्यम से जलाते हैं वो यहां पर बायोगैस से जलेगा। और अब बड़ी काम की चीज, बायोगैस बनने के बाद में जो वेस्ट इकट्ठा होता है वो वेस्ट भी बड़े काम का है, उस वेस्ट को हम स्लज कहते हैं। तो बचा हुआ वेस्ट हम इधर ले आए जिसे हम स्लज कहते हैं। अब ये स्लज भी मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में हम खेतों में यूज कर सकते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। उम्मीद है बच्चों आप बायोगैस प्लांट अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब थ्योरी डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो डाइजेस्टर टैंक होता है, एक चीज और बताना रह गई बच्चों,
कि जो डाइजेस्टर टैंक होता है ये 10 से 15 फीट नीचे खोदा जाता है और ये कंक्रीट का बना होता है, सीमेंट का, कंक्रीट का बना होता है, ठीक है। चलो, अ बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक, मतलब यहां पे डाइजेस्टर टैंक की बात करी जा रही है जो कि जिसे 10 से 15 फीट डीप खोदा जाता है, जहां पे बायो वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। स्लरी ऑफ डंग इज फेड, तो स्लरी क्या होती है, गोबर और पानी का मिक्सचर। तो फ्लोटिंग कवर होता है स्लरी के ऊपर, विच कीप्स ऑन राइजिंग, जैसे जैसे गैस बनती है तो फ्लोटिंग कवर ऊपर की तरफ उठता है ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। यही मैंने आपको बताया था, फ्लोटिंग कवर है, ये ऊपर की तरफ उठेगा। द बायोगैस प्लांट के पास एक आउटलेट होता है जो कि पाइप से कनेक्टेड होता है टू सप्लाई द बायोगैस टू नियर बाय हाउसेस। द स्पेंट स्लरी, जो बच गई है स्लरी, उसे हम दूसरे आउटलेट से रिमूव कर लेंगे और कैटल डंग को इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज वेयर कैटल्स आर यूज फॉर वेराइटीज ऑफ पर्पसेस। सो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ड इन रूरल एरियाज, इसीलिए गाय का जो गोबर है वो गांव वाली जगहों में ज्यादा मिलता है, रूरल एरियाज में ज्यादा मिलता है, इसीलिए ज्यादातर हम बायोगैस प्लांट कहाँ लगाते हैं, रूरल एरियाज में लगाते हैं। ये जो बायोगैस है जो प्रोड्यूस हुई है उसे कुकिंग और लाइटनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज इनफ्लेमेबल। द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट इज शोन हियर। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, वो किसके एफर्ट से प्रोड्यूस करी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, IARI, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। तो IARI और KVIC ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनके माध्यम से बायोगैस प्लांट जो है वो लगाया जाता है। अगर आपका स्कूल विलेज के पास में है, क्योंकि स्कूल ज़्यादातर आउट एरिया में होते हैं, तो आप बायोगैस प्लांट को विजिट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था बायोगैस प्लांट। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट में अब हम माइक्रोब्स का रोल पढ़ेंगे। देखो, बायो कंट्रोल एजेंट क्यों बोला, देखो पेस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग की यहाँ पे बात करी गई है। अभी क्या हो रहा है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं जिससे ले दे के हमें ही नुकसान पहुंच रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर मेन रोल ये माइक्रोब्स जो हैं ये प्ले करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, बायो कंट्रोल एजेंट्स में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, वो भी स्पेसिफिक पेस्ट को। और वही काम अगर हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, मतलब कीटनाशक स्प्रे करके करेंगे, तो वही काम कठिन हो जाएगा, वही काम में ज्यादा नुकसान होगा और ले देके वो केमिकल हमारी बॉडी को ही नष्ट करती चली जा रही है। सो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल रिफर्स टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट, प्लांट के प्लांट डिसीजेस और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायो कंट्रोल या बायोलॉजिकल मेथड। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि हम ज्यादा से ज्यादा केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। ये जो केमिकल है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए। और साथ ही साथ बच्चों ये केमिकल्स जो हैं ये एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करते चले जा रहे हैं, चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो, जैसा कि हम इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ठीक है। तो सब पॉल्यूशन होता जा रहा है, चाहे वीडिसाइड्स लो, चाहे पेस्टिसाइड्स लो, चाहे इंसेक्टिसाइड्स लो। बायोलॉजिकल कंट्रोल हम कैसे करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, दिस इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलीज ऑन नेचुरल प्रीडेशन, जो कि नेचुरल प्रीडेशन के ऊपर बेस्ड है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो नेचुरली उसे खाता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम यूज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, NCERT का एग्जाम्पल है कि अगर मुझे मॉस्किटो से प्रॉब्लम है तो ड्रैगन फ्लाई वहां मैं छोड़ दूंगी, तो ड्रैगन फ्लाई ऑटोमेटिकली मॉस्किटो को पकड़ लेगा। लेकिन अगर मैं वहीं उसकी जगह इंसेक्टिसाइड स्प्रे करती तो मच्छर के साथ साथ बेचारे दूसरे इंसेक्ट्स भी मर जाते, तो लॉस में लॉस था ये तो, ठीक है। तो नेचुरल प्रीडेशन का तरीका यहाँ पे यूज किया जाता है।
इसके अंदर इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही आता है ये कि बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ, मतलब जितने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होंगे उतना हेल्दी अपना इकोसिस्टम रहेगा, अपना जो पूरा एनवायरनमेंट रहेगा। अब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से बायोडाइवर्सिटी घटती चली जा रही है, हमको मारना होता है ए इंसेक्ट, ए बी सी डी इंसेक्ट भी, बी सी डी इंसेक्ट भी संग में मर जाते हैं क्योंकि वो तो केमिकल है, आप उसे स्प्रे करोगे तो दूसरे इंसेक्ट भी साथ में मरेंगे, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस होता चला जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेचुरल ब्रीडेशन मैथड को यूज करना बहुत अच्छा मैथड है, बहुत यूजफुल मैथड है। The more variety of land speck has, the more sustainable it is. जितने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जितने विभिन्न प्रकार के लैंडस्केप पाए जाएंगे उतना ज्यादा वो सस्टेनेबल है, मतलब लॉन्ग टाइम तक वो एग्जिस्ट करेगा। ऑर्गेनिक फार्मर therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests, जो कि फार्मर्स के लिए परेशानी का मसला है pests, are not eradicated but instead kept at manageable level. देखो अगर मुझे मॉस्किटो से प्रॉब्लम है और मुझे मैंने ड्रैगन फ्लाई वहां छोड़ दिया तो ड्रैगन फ्लाई सारे इंसेक्ट्स नहीं खा लेगा, सारे मॉस्किटोज नहीं खा लेगा, वो कुछ मॉस्किटोज खा पाएगा, कुछ अभी भी प्रेजेंट है तो मैनेजेबल लेवल पे मेंटेन रखता है, पूरी तरह खत्म नहीं कर देता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स का होना भी जरूरी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स। सो by a complex system of check and balance within the living and vibrant ecosystem. Contrary to the conventional farming practice which often uses chemical method to kill both useful and non-useful insects. तो बच्चों conventional farming जिसके अंदर chemicals का उपयोग किया जाता है उसमें insecticide, pesticides माध्यम से काम के insect और बिना काम के insect दोनों जो है वो इकट्ठे मर जाते हैं, जिससे biodiversity को बहुत नुकसान पहुंचता है। सो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसके अंदर हम प्रे प्रेडेशन रोल को ज़्यादा महत्व देते हैं बजाय पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज करके सबको मार देना। सो द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड्स द व्यू दैट इरेडिकेशन ऑफ क्रिएचर दैट आर ऑफन डिस्क्राइब एज पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिजायरेबल फॉर विदाउट दैम द बेनिफिशियली प्रेडेटर एंड पैरासाइटिक इंसेक्ट which depends on them as food or host would not be able to survive. तो बच्चों अगर हम सभी इंसेक्ट मारते जाएंगे तो बेनिफिशरी इंसेक्ट भी मर जाएंगे, जिसके कारण कुछ जो इंसेक्ट्स है वो एज अ पैरासाइट पाए जाते हैं प्लांट के ऊपर, वो प्लांट्स का पॉलिनेशन करते हैं, तो एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा इससे। Thus the use of biocontrol measure will greatly reduce our dependence on toxic chemical. और अगर हम organic farming के towards shift होते जाएंगे बच्चों तो हमारा toxic chemicals के ऊपर dependence जो है वो घट जाएगा, reduce हो जाएगा। An important part of biological farming approach is to become familiar with various life form that inhabit the field. लेकिन बच्चों अगर आप organic farming आपको implement करनी है तो proper आपको insect जो कि pest की तरह act करती हैं different farms में उनकी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए, उसका खाने का समय क्या है, किस इंसेक्ट को वो खाता है, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए तभी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो बायोलॉजिकल फार्मिंग के अंदर क्या होता है बच्चों कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इनहैबिट करता है वो फील्ड को, प्रेडेटर एज वेल एज पेस्ट का हैबिटेट हमें पता होना चाहिए, उसकी लाइफ साइकिल हमें पता होनी चाहिए, पैटर्न ऑफ फीडिंग पता होना चाहिए एंड द हैबिटेट दैट दे प्रिफर, दिस विल हेल्प टू डेवलप अप्रोच मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल। तो अगर हमको बायोलॉजिकल अगर हमें पेस्ट कंट्रोल करना है स्टूडेंट्स, बायोपेस्टिसाइड्स बायोलॉजिकल अगर बच्चों हमें पेस्ट कंट्रोल करना है तो उसके लिए बच्चों हमें पेस्ट का और प्रेडेटर का दोनों का ही लाइफ साइकिल, उनका हैबिटेट, उनका टाइप ऑफ लिविंग, उनका टाइम ऑफ फीडिंग, ये सब हमें नॉलेज होना चाहिए तभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पैराग्राफ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों, जो अब लास्ट तक का पैराग्राफ है यहाँ इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है स्टूडेंट्स लेडी बर्ड का। देखो
लेडी बर्ड का एग्जाम्पल दे रखा है फर्स्ट, इसको आप लैप से याद रखना, ठीक है। लेडी बर्ड का दूसरा नाम होता है बिटल, लेडी बर्ड और बिटल, और ये फीड करता है एफिड नाम के पेस्ट के ऊपर, ठीक है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है ड्रैगन फ्लाई का, ये जो ड्रैगन फ्लाइज हैं ये मॉस्किटो पे फीड करते हैं, तो मॉस्किटो पेस्ट से अगर हमें छुटकारा पाना है तो हम ड्रैगन फ्लाई वहां पे छोड़ देंगे उस फील्ड में, जिससे मॉस्किटो को वो खा लेंगे, जो कि उनका नेचुरल प्रिडेशन है, और हमारा पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा और जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी सुरक्षित रहेगी, इकोसिस्टम भी सुरक्षित रहेगा। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं, द वेरी फैमिलियर बिटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, जिसे लेडी बर्ड कहा जाता है। तो बिटल करके भी क्वेश्चन आ सकता है और लेडी बर्ड करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये किस पे फीड करता है? एफिड्स के ऊपर। वहीं बच्चों ड्रैगन फ्लाइज दे रखा है, ड्रैगन फ्लाइज जो है वो मॉस्किटो के ऊपर फीड करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज द बैक्टीरिया बैसिलस थुरिएंजिनेसिस, ऑफन रिटर्न्ड एज बीटी। तो बच्चों क्या किया जाता है, जो बीटी बैसिलस थुरिएंजिनेसिस नाम का जो बैक्टीरिया होता है, उस बैसिलस थुरिएंजिनेसिस के जीन को जो है वो सैशे के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके जो बैसिलस थुरिएंजिनेसिस के जो स्पोर्स हैं वो हमें सैशेस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इस सैशे को हम काटते हैं, ठीक है। तो सैशे में जो भी निकलेगा उसे हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे और फाइनली स्प्रे कर देंगे, स्प्रे ऑन फील्ड जहां पे हमें किससे प्रॉब्लम थी, बटरफ्लाई कैटरपिलर से, ठीक है। तो बटरफ्लाई कैटरपिलर से बचने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, और इसके बारे में बहुत डिटेल में बायोटेक चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे, जहां पे बैसिलस थुरिएंजिनेसिस को जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से प्लांट के जेनेटिक्स के साथ ही मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम सैशेस के अंदर, सैशे को पानी के अंदर मिला के स्प्रे करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको वहां पढ़ने को मिलेगा। तो कैटरपिलर स्टेज में ही इंटेस्टाइन के सेल्स के बर्स्टिंग के कारण कैटरपिलर स्टेज में ही बटरफ्लाई मर जाती है। ये वाटर विद सैशे सब्सटेंस को हम स्प्रे करते हैं उससे। सो स्टूडेंट दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सैशे एज ड्राइड स्पोर्ट्स, ड्राइड स्पोर्ट्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं इन द सैशे, सैशे में अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ड्राई स्पोर्ट्स, जिसे मिक्स किया जाता है पानी के साथ में और फिर स्प्रे करा जाता है ऑन टू द वल्नरेबल प्लांट्स सच एज ब्रासिका फ्रूट। एग्जाम्पल दे रखे हैं ब्रासिका फ्रूट ट्रीज, वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट कैटरपिलर, ठीक है, ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा, लार्वा स्टेज में इंसेक्ट इसे खा लेता है, ठीक है। इन द गट ऑफ द लार्वा ये टॉक्सिन रिलीज होता है गट के अंदर और गट के सेल बर्स्ट हो जाते हैं और लार्वा मर जाता है। ये जो बैक्टीरियल डिसीज है विल किल द कैटरपिलर बट लीव्स अदर इंसेक्ट अनहार्म, सिर्फ कैटरपिलर ही मरेगी इससे, इस स्पोर्स से, बाकी के इंसेक्ट नहीं मरेंगे। तो आपको पता होना चाहिए बैसिलस थुरिएंजिनेसिस नाम का बैक्टीरिया हम के स्पोर्स हम पानी में घोल के प्लांट पे स्प्रे करते हैं तो बटरफ्लाई जो के जो लार्वल स्टेज में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से हमें कैटरपिलर जो कि इन क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकता था उससे हम बच जाते हैं, और वो पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक इंसेक्ट ही मरता है, बाकी सब इंसेक्ट सुरक्षित रहते हैं। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग बच्चों बहुत अच्छा यूज है, जिसमें हम बाकी के इंसेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और हमारा इकोसिस्टम बैलेंस में रख रहे हैं। सो द बैक्टीरियल डिसीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यही मैंने आपको कहा था बायोटेक में आप पढ़ेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मैथड डेवलप होने के कारण साइंटिस्ट ने क्या करा है, बैसिलस थुरिएंजिनेसिस का जो टॉक्सिन जीन है जिसे क्रायोजीन कहा जाता है उसको प्लांट के जीन के साथ ही इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। सच प्लांट्स आर ऑलरेडी रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट पेस्ट, ऐसे प्लांट के अंदर रेजिस्टिविटी आ जाती है इस इंसेक्ट पेस्ट के प्रति, तो आपको हर बार स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के माध्यम से
ऑलरेडी उसका जो बीटी बैसिलस थुरिंजिनेसिस का जो जीन है वो प्लांट के जेनेटिक्स के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया है, जिस कारण से वो प्लांट ही ऑटोमेटिकली रेजिस्टिविटी शो करेगा टूवर्ड्स दिस पेस्ट। तो ये हम बायोटेक में डिटेल में आपको समझाएंगे। बीटी कॉटन इज वन सच एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, बिकॉज कॉटन प्लांट्स में यूज किया गया, विच इज बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। यू विल लर्न दिस मोर इन चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी। अ बायोलॉजिकल कंट्रोल, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का नाम बच्चों पहले भी आया था, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की तरह यूज होता है। तो ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंगस है, तो बच्चों ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंगस है उसे हम यूज कर सकते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस एंड इट मेंटेन्स रूट इकोसिस्टम। ठीक है, रूट इकोसिस्टम में को मेनली डिसीज फ्री रखने के लिए, ठीक है, रूट को हेल्दी रखने के लिए हम ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं। तो बच्चों ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो इसी चैप्टर में ट्राइकोडर्मा का नाम दो बार आया है। पहला कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम को हम उससे हमें साइक्लोस्पोरिन ए नाम का सब्सटेंस मिलता है, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में जिन पेशेंट्स का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उनमें यूज किया जाता है, क्योंकि उनके केस में हमें इम्यूनिटी सप्रेस करनी है। और अब बच्चों अभी हमने ट्राइकोडर्मा के बारे में पढ़ा, ट्राइकोडर्मा जो होता है बच्चों वो रूट इकोसिस्टम को भी मेंटेन रखता है, डिसीज फ्री रखता है। So biological control being developed for the use of the treatment of plant disease is the fungus Trichoderma. Trichoderma species are free living fungus. ये free living fungus होते हैं that are very common in the root ecosystem, जो कि root ecosystem में बहुत ज़्यादा common है. They are effective biocontrol agent of several plant pathogen. Different plant pathogens के against ये act करते हैं और root ecosystem को healthy रखते हैं. चलिए next. नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों बक्लो वायरस के लिए, ठीक है, बक्लो वायरस का स्टूडेंट्स जीनस पूछा जाता है नीट एग्जाम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए पॉलीहेड्रो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस इसके जीनस पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए बक्लो वायरस का जीनस होता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। अब ये जो बक्लो वायरस है स्टूडेंट्स ये एक्ट करता है अगेंस्ट डिफरेंट इंसेक्ट्स या फिर हम कह सकते हैं अर्थ्रोपॉड्स के अगेंस्ट, बिकॉज किंगडम का नाम इंसेक्ट के किंगडम का नाम अर्थ्रोपोडा होता है, ठीक है। तो बक्लो वायरस लास्ट एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। तो बच्चों ये पांच एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, इस पर रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स चलिए समझते हैं, बक्लो वायरस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट्स, जो कि इंसेक्ट्स को अटैक करते हैं और अदर अर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं। द मेजोरिटी ऑफ बक्लो वायरस यूज एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर बिलोंगिंग टू द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। दीज वायरसेज आर एक्सलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक, देखो स्पीशीज के प्रति कितने ज्यादा स्पेसिफिक है। जितने भी हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स पढ़े, जैसे जो ड्रैगन फ्लाई है वो सिर्फ मॉस्किटो को मारेगा, दूसरे इंसेक्ट्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा, तो दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब जिसके लिए इन्हें डाला जाएगा सिर्फ उसी इंसेक्ट को हार्म पहुंचाएंगे। दे हैव बीन शोन नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट मैमल्स बर्ड्स फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट, यहां तक कि नॉन टारगेट इंसेक्ट को भी ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ना ही प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, ना ही एनिमल्स को, ना हम ह्यूमंस को। जिस प्रकार केमिकल हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है उस प्रकार बच्चों ये बहुत ही सेफ तरीका है।
This is specially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in all overall integrated pest management program or when an ecologically sensitive area is being treated. बच्चों ये तरीका बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है जब हम ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया को कंजर्व करने के लिए जिसके पास ऑलरेडी स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है या फिर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया मतलब वही स्पीशीज डाइवर्सिटी जहां पहले से कम है वहां आप और केमिकल स्प्रे कर दोगे तो बची खुची बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी. तो ऐसे सेंसिटिव एरिया को प्रिजर्व करने के लिए ये तरीका बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स हम माइक्रोब एज अ बायोफर्टिलाइजर. ठीक है मतलब अब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम माइक्रोब्स का यूज करेंगे. उससे पहले बच्चों रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने अभी एग्जांपल्स पढ़े. हमने पढ़ा ड्रैगन फ्लाई जो है वो मॉस्किटो के अगेंस्ट यूज किया जाता है, लेडी बर्ड और बिटल. ठीक है पहला एग्जाम्पल हमने ये पढ़ा. दूसरा एग्जाम्पल लेडी बर्ड और बिटल हम यूज करते हैं अगेंस्ट एफिड्स. बैसिलस थुरिएंजिनेसिस बैक्टीरिया के सैशे को पानी में डाल घोल के हम स्प्रे करते हैं टू गेट रिड अगेंस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर और इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से भी यूज किया गया है. बकलो वायरस को हम इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपॉड्स कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं और बकलो वायरस का जीनस होता है न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस. और साथ ही साथ बच्चों हमने एक और एग्जाम्पल पढ़ा था दैट इज एक एग्जाम्पल और कौन सा रह रहा है ट्राइकोडर्मा. ठीक है ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंगस होता है वो डिफरेंट पैथोजेंस के लिए हम यूज करते हैं रूट इकोसिस्टम को हेल्दी रखने के लिए. ठीक है तो ये एक और एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था. तो बच्चों अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स मतलब अब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी हम पढ़ेंगे. विद आर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज द मेजर कॉज ऑफ कंसर्न. आजकल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम बहुत ज्यादा हर चीज में केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं. यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो उस मिट्टी को फर्टाइल कर देगी लेकिन धीरे धीरे बच्चों हमारी जो लैंड है वो एरिड होती जाएगी, वो डेजर्ट में कन्वर्ट होती जाएगी, वो उपजाऊ नहीं रह पाएगी. तो बच्चों इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग के टूवर्ड्स शिफ्ट होना. So students, there is demand of agricultural produce has contributed significantly to this pollution. Of course, we have now realized that there are problem associated with overuse of chemical fertilizers. अब सबको समझ आ रहा है कि chemical fertilizers के use के कारण दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं. And is a large pressure to switch towards organic farming. और अब ये pressure बनता जा रहा है कि हम organic farming के towards जितनी जल्दी हो सके switch हो जाएं. By the use of biofertilizers, bio means living, जहां पे हम biological organisms का use करते हैं मिट्टी को fertile करने के लिए. Biofertilizers are organisms that enrich the nutrient quality of soil. जो biofertilizer होते हैं वो nutrient quality जो है soil की वो increase करते हैं. The main source of biofertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria. तो बैक्टीरिया फंजाई और साइनोबैक्टीरिया का यूज करके हम मिट्टी को फर्टाइल कर सकते हैं, सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं. यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. आपने लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के बारे में पढ़ रखा है ऑलरेडी. नाइट्रोजन साइकिल जब आपको क्लास 11th में पढ़ाई जाती है तो वहां पे बच्चों हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपको पढ़ाते हैं ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया. ये जो बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म व्हिच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट्स. अदर बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं व्हाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल. एग्जांपल एजोस्पायरुलम एजेटोबैक्टर दस एनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया और फंजाई आप तीनों यूज में ला सकते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए. यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के दिए गए हैं. सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल के साथ.
लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स के साथ में, किसका? राइजोबियम का, ठीक है। और वहीं बच्चों दूसरा एग्जांपल दे रखा है फ्री लिविंग फॉर्म का, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया में एग्जांपल गिवन है आपको एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरुलम का, एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरुलम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बायोफर्टिलाइजर्स के बारे में ये जाना कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई तीनों हम उपयोग में ले सकते हैं मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। उसमें बच्चों हमने बैक्टीरिया में पढ़ा कि बैक्टीरिया के अंदर हम यूज कर सकते हैं एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम जो कि फ्री लिविंग फॉर्म है, और हम यूज कर सकते हैं बच्चों सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में राइजोबियम जो कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स फंजाई पे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो फंजाई के बारे में, फंजाई को भी हम यूज कर सकते हैं एज अ बायोफर्टिलाइजर, और फंजाई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फंगल का जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है तो उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। मैनी मेंबर्स और इसमें मेनली इसमें जीनस ग्लॉमस के फंगस इन्वॉल्व रहते हैं जो कि माइकोराइजा बनाते हैं। फंगल सिम्बायोट इन दिस एसोसिएशन, अब ये जो फंगस है ये फॉस्फोरस भी एब्जॉर्ब करता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्स करने के साथ साथ फंगस के कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी होते हैं। प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, नाइट्रोजन भी फिक्स करता है, और साथ ही साथ बच्चों उसे स्ट्रेस रेजिस्टेंट भी बनाता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में गिवन है, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। Plant having such associations show other benefits also like resistant to root borne pathogen, then they can tolerate salinity, drought and overall increase the plant growth and development, ठीक है। तो fungus के अंदर बच्चों क्या दे रखा है, mycorrhiza के बारे में दे रखा है। mycorrhiza fungal association होता है। ये mycorrhiza में भी mainly कौन सा genus use किया जाता है, तो glomus, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये माइकोराइजा एसोसिएशन का क्या काम होता है, तो ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, देन फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, देन प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट फंक्शन है कि प्लांट को स्ट्रेस रेजिस्टेंट बनाता है। स्ट्रेस कैसे, जैसे सैलिनिटी, ड्रॉट, इसके प्रति रेजिस्टिविटी शो करता है, और साथ ही साथ डिसीज रेजिस्टिविटी भी शो करता है रूट में, मेनली डिसीज रेजिस्टिविटी, डिसीज रेजिस्टेंट बनाता है प्लांट को, मेनली रूट इकोसिस्टम में। तो माइकोराइजल फंगल एसोसिएशन के ये एक्स्ट्रा फंक्शंस भी होते हैं साथ साथ। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम साइनोबैक्टीरिया पे। हम साइनोबैक्टीरिया का भी यूज कर सकते हैं एज अ बायोफर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरिया में बच्चों नॉस्टॉक, एनाबेना और ऑसिलेटोरिया का एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम साइनोबैक्टीरिया पे, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, किंगडम मोनेरा का, ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया के अंदर एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो है एनाबेना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। तो ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने साइनोबैक्टीरिया के केस में जो कि एज अ बायोफर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, एनाबेना। So they are autotrophic microbes widely described in aquatic and terrestrial environment. बच्चों ये बहुत important बात है कि हम blue green algae को aquatic environment में भी use कर सकते हैं और terrestrial environment मतलब land में भी use कर सकते हैं, water में भी use कर सकते हैं। तो बच्चों paddy field के ऊपर PYQ आ चुका है already कि paddy field के अंदर हम cyanobacteria use करते हैं,
और वो भी मेनली ऑसिलेटोरिया. ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी. ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करता है जिससे सॉइल की ओवरऑल फर्टिलिटी बढ़ जाती है. करंटली हमारे भारत में बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं जो हम कमर्शियली यूज़ करते हैं, मार्केट में सेल होते हैं और फार्मर्स उसे यूज़ करते हैं अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए. तो बच्चों, हमने बायो फर्टिलाइजर्स में साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, देन फंगस के बारे में पढ़ा और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा. सो होप आपने मेरे साथ में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर्स एंजॉय करा होगा. अच्छे से मैं कामयाब हुई होंगी आपको याद कराने के लिए. अब बच्चों, जो मैंने आपको माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लान समझाया था उसे मैं ई सरल ऐप में किस प्रकार समझाया जाता है विजुअलाइजेशन के द्वारा वो मैं आपको दिखाती हूँ. तो बच्चों, जिस प्रकार हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट में पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था कि हम एसटीपी को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करेंगे. ठीक है, देखिए किस प्रकार फिल्ट्रेशन, ये देखिए किस प्रकार प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन किया जा रहा है, मतलब छाना जा रहा है. और फिर उसके बाद में आप देखिए सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के बाद में सेडिमेंटेशन किया जाता है. देखिए किस प्रकार सेडिमेंटेड वेस्ट जो है वो अलग करा जा रहा है, जिसे प्राइमरी स्लज कहते हैं, और जो प्राइमरी एफ्लुएंट है उसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए नेक्स्ट टैंक में लेके जाते हैं. चलिए अब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखते हैं. ये देखिए बच्चों, ये एरोबिक टैंक है और एरेशन टैंक है जहां पे हम एगिटेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ एरेशन भी कर रहे हैं, हवा भी डाल रहे हैं इसके अंदर, जिस कारण से जो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर पाए और फ्लॉक बन पाए. ठीक है, ये येलो कलर के आप फ्लॉक देख पा रहे हैं जो कि फंगल और बैक्टीरियल का एसोसिएशन है. अब हम जो है सेटलिंग टैंक के अंदर भेजते हैं. तो देखिए बच्चों, किस प्रकार हम एरोबिक और एरेशन टैंक के अंदर पूरा तब तक पानी को रखेंगे जब तक बीओडी वैल्यू घट ना जाए. फिर उसके बाद में बच्चों हम नेक्स्ट इसे सेटलिंग टैंक के अंदर भेजेंगे. तो देखिए आप किस प्रकार यहाँ पे एयर पास करी जा रही है, एगिटेशन हो रहा है और साथ ही साथ फ्लॉक का फॉर्मेशन हो रहा है. अब हम इसे सेटलिंग टैंक के अंदर भेजेंगे जब तक बीओडी की वैल्यू घट ना जाए, क्योंकि बीओडी डिक्रीज करना जरूरी है. तो बीओडी की वैल्यू अब घट चुकी है, अब हम इसे सेटलिंग टैंक में भेजेंगे. सेटलिंग टैंक में आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी स्लज जो है, जिसे हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है पूरा. ठीक है, और बचा हुआ जो पानी है वो इसमें से सेकेंडरी जो एक्टिवेटेड स्लज है इसमें से हम थोड़ा सा पार्ट वापस से पीछे वाले टैंक में भेजेंगे जो कि इनोक्युलम और स्टार्टर की तरह एक्ट करता है. तो आप देखिए बच्चों किस प्रकार हम थोड़ा सा पार्ट इसका वापस से पीछे वाले टैंक में भेजेंगे और बाकी का फिर हम एनारोबिक टैंक में ट्रांसफर कर देंगे. देखिए आप, थोड़ा 5% हम वापस से पीछे वाले टैंक में भेजते हैं विच एक्ट एज अ इनोक्युलम. फिर बच्चों एनारोबिक टैंक के अंदर मैक्सिमम पानी को ले जाया जाता है एक्टिवेटेड स्लज के साथ में, सेकेंडरी स्लज को ले जाया जाता है जहां पे एनारोबिक कंडीशन में मिथेनोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं. देखिए मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, और फाइनली क्लोरीनेशन करके मेन वाटर बॉडी के अंदर स्वच्छ वाटर, साफ पानी को या लेस पॉल्यूटेड वाटर को मिला दिया जाता है. तो होप बच्चों आपको इससे एसटीपी और अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब बच्चों हम नीट एग्जाम में आए गए कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं. मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस. लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस, एस्परगिलस निगर, एसिडोबैक्टर एसिटाइड, चीज कर्ड, देन सिट्रिक एसिड, ब्रेड एंड एसिटिक एसिड. तो बच्चों मैच करेंगे, चलिए मिलके मैच करते हैं. ठीक है, ये सैक्रोमाइसिस सर्विसी इधर का पार्ट आ गया, यहाँ पे आना चाहिए था सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इसका पूरा नाम दैट इज यीस्ट. ठीक है, यहाँ से कट कर देते. अब देखिए लैक्टोबैसिलस जो कि क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है, कर्ड, लैब भी कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. फिर सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो कि क्या है, यीस्ट. यीस्ट को हम बेकर्स इंडस्ट्रीज और ब्रूअर्स इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, तो मेनली हम ब्रेड बनाने के लिए यूज करेंगे तो उसे बेकर्स यीस्ट कहते हैं हम. ठीक है, एस्परगिलस निगर से हमें क्या मिलता है, मैंने एसी से याद कराया था, हमें सिट्रिक एसिड मिलता है. ठीक है, फिर एसिडोबैक्टर एसिटाइड से हमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड. तो बच्चों ये आंसर होना चाहिए 2, 3, 2,
2435 मतलब सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट. तो थायोबैसिलस बच्चों ये क्वेश्चन नाइट्रोजन फिक्सेशन चैप्टर का है. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हम मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 11th का, लेकिन चूंकि माइक्रोब्स का नाम आ रहा है इसीलिए यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को पुट कर दिया गया है. तो थायोबैसिलस जो कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है वो क्या कौन सा फंक्शन कैरी आउट करता है, तो ये डीनाइट्रिफिकेशन करता है. तो ये आप नाइट्रोजन फिक्सेशन जो पढ़ेंगे, आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे आप मिनरल न्यूट्रिशन में, वहां आपको क्लियर होगे इन बैक्टीरिया के नाम. चलिए नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज. प्लांट डिसीज को ट्रीट करने के लिए आप कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर सकते हैं. पहला है ट्राइकोडर्मा, दूसरा है क्लोरेला, तीसरा है एनाबेना और चौथा है लैक्टोबैसिलस. तो बच्चों आपको याद होगा कि प्लांट डिसीज को कंट्रोल करने के लिए, मेनली रूट पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए हमने ट्राइकोडर्मा का यूज किया था. तो ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंगस होता है इज अ करेक्ट आंसर. दूसरा फंक्शन होता है ट्राइकोडर्मा का इम्यूनो सप्रेसिव. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये भी मैच द कॉलम है. ठीक है, मैच करना है हमें क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायलिकम, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, मोनस्कस परप्यूरस, एस्परगिलस निगर, साइक्लोस्पोरिन ए, ब्यूटायरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. चलिए अब मैच करते हैं बच्चों. क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायलिकम, मैंने बोला था सबकी सब एसिड जो है उनके पीछे सरनेम में ही आंसर छुपा होता है, तो ब्यूटायरिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है. देन ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, माई ट्राई साइकिल फॉर इम्यूनिटी. तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से हमें साइक्लोस्पोरिन ए ऑप्टेन होता है. वैसे बच्चों मोनस्कस परप्यूरियस जिस जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, एक प्रकार का यीस्ट ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट एस्परगिलस निगर. एस्परगिलस निगर जो है बच्चों उस एसी से याद कराया था, तो उससे हमें सिट्रिक एसिड ऑप्टेन होता है. तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 2, 4, 3 है ना. 2, 1, 4, 3 तो 2, 1, 4, 3 थर्ड ऑप्शन में आ रहा है. तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट. फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर एनारोबिक टैंक के अंदर क्या डाला जाता है. तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी फिजिकल ट्रीटमेंट के बाद या प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में हमें प्राइमरी स्लज मिलता है, लेकिन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब हम एरोबिक ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद में हमें एक्टिवेटेड स्लज मिलता है. तो एक्टिवेटेड स्लज को हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे. सो ऑप्शन 1 एक्टिवेटेड स्लज इज द करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट्स सब क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गए, क्योंकि इसमें जनरली बच्चों आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है. इस चैप्टर में एनसीईआरटी आपकी इसमें स्ट्रांग हो तो एनसीईआरटी के माध्यम से आप इसमें आए इस चैप्टर से आए सभी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं. तो बच्चों मैं आपको एक सही सजेशन दूंगी कि इस चैप्टर के लिए प्लीज एनसीईआरटी के बाहर ना जाएं, सिर्फ प्योरली एनसीईआरटी को पढ़ें. और नहीं याद होता है तो मेरा लेक्चर वापस से देखें, जिससे आपको सारे बैक्टीरिया माइक्रोब्स के नाम याद हो जाएंगे. सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप आपने मेरे साथ एंजॉय करा होगा आज का चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. थैंक यू.